हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो फिर से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो सोच रहा है कि मैं जर्मनी पढ़ने जाना है, तो सबसे पहले जो उसको मसला फेस आता है वो है ब्लॉक अमाउंट, कि ब्लॉक अमाउंट कहाँ से लेके आएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 11,000 यूरो समथिंग है, पहले 10,000 यूरो समथिंग थी, अब 11,000 यूरो समथिंग हो गई है। कन्फर्म हो गई है, बिल्कुल हो गई है। और ऊपर से एक और बड़ा मसला कि पाकिस्तानी रुपीज़ जो है गिरता जा रहा है, जिसने इतना गिर रहा है ब्लॉक का उतनी बढ़ती जा रही है। अब तो आई थिंक 25-26 लाख तक पहुंच गई है। मतलब अच्छा, हर दफा ये हर किसी के साथ ये होता होगा, आप लोग समझोगे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं जो हमारे से पहला बैच था ना, उस वक्त 7,000 समथिंग थी ब्लॉक अमाउंट एक साल के लिए, और जब हमने अप्लाई करना था फौरन 10,000 यूरो हो गई। सो इतना ज्यादा गैप आ गया। अभी तो फिर भी 11,000 समथिंग हुई है, लेकिन हमारी दफा तो बहुत ज्यादा गैप आ गया था। तो हम लेकिन फिर भी घबराए नहीं, हमने कहा नहीं अब सोचा हुआ जाने का, तो सोचा हुआ क्योंकि ये पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। मैंने काफी दफा आपको बताया हुआ है, और ये आप लोग क्योंकि और मुझे काफी कमेंट्स आते हैं कि हम पैसे वापस कर सकते, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ना मतलब लोन वगैरह लेके आते हैं, मेरे रिलेटिव से लेके आते हैं। मैं भी आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने क्या किया था। सो आप लोग ये आराम से वापस कर सकते हैं, वो कैसे वो आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो ब्लॉक अमाउंट क्या है ये ब्लॉक अमाउंट? ऊपर से बैंक स्टेटमेंट भी शो करवानी होती है आपको। सो बैंक स्टेटमेंट जो है आपने सिर्फ शो ही करवानी होती है, मतलब 6 महीने से आपकी स्टेबल होनी चाहिए कि आपके बैंक में इतने पैसे पड़े हो। मतलब मिनिमम आई थिंक 10 लाख तो होने चाहिए, मतलब इतने 10 लाख तो होने चाहिए। हमारे टाइम में 6-7 लाख थे, पर अब जो वक्त इतना बढ़ गया आगे, तो आई थिंक 10 लाख तो आपके बैंक अकाउंट में आपको शो करवाने होंगे एज ए बैंक स्टेटमेंट। 6 महीने आपके बैंक में स्टेबल होने चाहिए। सो मैंने पहले भी इस तरह की वीडियोज काफी बनाई हुई, आप मेरे चैनल विजिट करेंगे तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस तरह की। सो ब्लॉक अमाउंट की अगर हम बात करें, सो हाँ, आप लोग किसी रिलेटिव से वगैरह से लेके आ सकते हैं, लोन लेके आ सकते हैं आप। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आप एक साल में आराम से वापस कर सकते हैं, और ये आपकी एक साल की फीस होती है। अब यहाँ पे मैं एक और नया क्वेश्चन उठाता हूँ, काफी लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या सेकंड ईयर के लिए भी ब्लॉक अमाउंट जमा करवानी होती है। सो इसका आंसर है नो। हम शुक्र करते हैं कि एक साल की मुश्किल से जमा करवा दें, पर सेकंड ईयर की हमने जमा करवा सकते हैं, फिर आपको खुद मैनेज। सो एक साल की सिर्फ आपको शो करवानी होती है, उसके बाद आपके आप जाने और आपका काम जाने कि आपने अपना खर्चा कैसे उठाना है। बिल्कुल, वो भी जो है आपको हर मंथ वापस मिल जाती है आपका अपना खर्चा। हाँ, वो आपने खुद मैनेज करना है। शुरू से जैसे ही आप आए जर्मनी में, तो 1-2 महीने के बाद जो है पार्ट टाइम साथ अपनी जॉब करें, ताकि जो है बैलेंस रहे चीजें। वरना हम तो जब आए थे तो हमें कहा गया था कि आपने 6 महीने जॉब ही नहीं करनी, आपने पढ़ना है। ये बिल्कुल अप्रोच जो है गलत है। आप ना फिर एक सेमेस्टर ना पढ़ते हैं और ना आप जॉब करते हैं, और आप फिर ऊपर डिप्रेशन में चले जाते हैं, होम सिकनेस में आपके पास पैसे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। सो प्लीज 1 महीना बहुत है, इनफ है आपका 1 महीना, वो भी इसलिए कि आपने बच्चे, सीरियसली आपको बताऊं जो सही बंदे होते हैं ना, वो तो 1 महीना भी वेट नहीं करते। मतलब हफ्ते हफ्ते बाद हमें देखे पाकिस्तान से अप्लाई करके आते हैं, पाकिस्तान इंडिया बैठ के ना अमेजोन में अप्लाई कर देते हैं, यहाँ आते साथ जॉब शुरू। हमने कहा कब आयो आप, कितने साल हो गए आपको? हम तो बस 2 हफ्ते पहले आए हैं। सिर्फ में शौक, मैंने कहा कहता हमने वहीं से अप्लाई करी थी। मतलब इतना शौक होता है उनको कि हमने यार पढ़ना भी और साथ पैसा भी कमाना, मतलब अपना पैसा भी उतारना है। सो आप कैसे अपने ब्लॉक अमाउंट वापस करवा सकते हैं? एक साल की ये ब्लॉक अमाउंट होती है आपको, मतलब फिनतबा, अगर आप फिनतबा में जमा करवा रहे हैं तो हर महीने ना आपको उसके उस 10,000 यूरो में से ना हर अमाउंट आएगी, एक साल में आपको पूरे 10,000 वापस मिल जाएंगे उनकी फीस काट कर। सो वो पैसे आप आराम से सेव करते जाएं और आप पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दें। आप आराम से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। सो तीन तरह की जॉब्स होती हैं आपके पास, एक मिनी जॉब, पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब। ऐसा तीनों में क्या फर्क है? तीनों में जो है टाइमिंग का फर्क है, कितने दिन जो है आप हफ्ते में काम कर सकते हैं। जो मिनी जॉब है उसमें आई थिंक 10 आवर्स पर वीक होते हैं, और तो इसमें आप मैक्सिमम जो है 450 यूरोस कमा सकते हैं मिनी जॉब में। और पार्ट टाइम जॉब में आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, और 80 आवर्स जो है पर मंथ। और जो फुल टाइम है उसमें तो 5 दिन आपने लगातार जाना है, 8-8 और वो फिर आपको इतना अलाउ भी नहीं होता, मतलब आपका जल्दी, क्योंकि आप जो साल के ना सिर्फ 120 फुल डेज काम कर सकते हैं, मतलब एक दिन को अगर हम काउंट करें तो 8 आवर्स होता है एक दिन का। सो वो आपका थक भी जाएंगे, आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी, खाना पीना बहुत आप फेदअप हो जाएंगे, आप ना 1-2 महीने में थक जाएंगे। हाँ, वो मैं आपको तब रेफर कर दूंगा कि अगर आपने पूरा साल काम नहीं किया, साल के आखिरी 3 महीने आप अमेजोन कर लें या कोई बड़ी कंपनी में काम कर लें, कि वो फुल टाइम आप आखिरी 3 महीने कर लें, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि यहाँ पे काफी पीक पे काम होता है। जर्मन जो है छुट्टियों पे गए होते हैं, सो आपका इनको काफी बंदे चाहिए होते हैं और काफी काम होता है, बोनस वगैरह काफी मिलता है, क्रिसमस बोनस, तो आपकी काफी अच्छी इनकम हो जाती है। लेकिन बेस्ट चाहिए कि साथ साथ जो है पार्ट टाइम लेके, ताकि ओवरलोड ना हो, क्योंकि 3 महीने जॉब करना, क्योंकि और ये रिस्क है। आपको ये नहीं कि आपने अमेजोन में अप्लाई कर दिया कि आपको मिलेगी। अब जिस तरह हमने 2 दफा अप्लाई किया था, पहली दफा में दूसरी दफा में नहीं बुलाया, हम शौक क्यों नहीं बुलाया, वो हमेशा नए बच्चों को प्रेफर करते हैं। आप जब नए आ रहे होंगे आपको फर्स्ट टाइम बुला लेंगे, सेकंड टाइम आपको नहीं बुलाएंगे। सो आपने ये बात का ध्यान रखना है, इसलिए आप अपना साथ साथ लेके चलें अपना सब कुछ। काफी यहाँ पे और बहुत कंपनीज है, हरमेस हो गई, बहुत बेशुमार कंपनी, छोटे शहरों में इतनी कंपनी है, तो बड़े शहरों में तो और बहुत प्राइवेट कंपनीज है, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। अब काफी लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं कि जॉब के लिए जर्मन वगैरह रिक्वायर्ड होती है कि नहीं, तो क्या आंसर होना चाहिए?
अगर तो आपको जर्मन आती है तो आपके लिए जॉब जो है बहुत इजी जॉब जिस तरह मिल जाएंगी, आपको ऑफिस जॉब भी मिल सकती है, बहुत शॉप में जॉब मिल सकती है, सेल्समैन, बहुत इजी जॉब मिल जाएगी। और अगर आपको जर्मनी आती तो फिर आपको थोड़ा मुश्किल जॉब मिलेंगी और आपको जो है शहर से दूर जाना पड़ेगा, मतलब जहाँ भी मिल रही है जॉब फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती तो जो मिल रहा है वो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आई थिंक आप बेसिक कोर्स भी करके आ जाना, बाकी ये लोग इशारे वगैरह करते हैं आप आराम से नहीं बात समझ जाएंगे कि आप क्या काम करो, मतलब इतना आप समझ जाएंगे कि आपको क्या काम करने के लिए कह रहे हैं तो आप आराम से काम कर सकते हैं, काम समझ आएगी क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी होते हैं तो बंदा काम तो सीख ही जाता है। बाकी सिर्फ कंपनियों में नहीं, होटल्स वगैरह में आप जॉब कर सके, मैंने खुद होटल में जॉब की, किचन में जॉब की, आप काफी काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको काम एक दफा समझ आ जाए, क्योंकि सेम काम हो रहा होता है रोज, एक दफा आप काम समझ जाएंगे ना आप रोज वही काम आपको जाके करना है तो कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। और हफ्ते में जब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन जाएंगे मैक्सिमम और आप फिर बाकी अपने पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही काम करें, मतलब लेबर वर्क करें, मतलब इस तरह काम करें। बिल्कुल, अगर जो है आपकी आईटी से रिलेटेड फील्ड है, आईटी से रिलेटेड सीएस है, तो आप कोशिश करें कि अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है जॉब ढूंढें। जैसे बड़े स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब होती है वो इंग्लिश में भी मिल जाती हैं बड़े सिटीज में, स्पेशली जैसे म्यूनिक हो गया, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, तो इस सिटीज में जो है आप अपनी प्रोफेशनल जो जॉब्स हैं वो ढूंढें, अगर वो मिल जाए तो अच्छा है, पढ़ाई के साथ साथ आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बनता रहता है और पैसे भी आ रहे हैं। और तो सिर्फ आईटी नहीं, बाकी मतलब भी हमारे केमिकल इंजीनियरिंग होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, आप अपने प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं, आपको ईवी मिल सकती है, आपको वर्क उनकी जॉब मतलब यूनिवर्सिटी में तो मिल सकती है क्योंकि आईटी वालों के लिए इजी है कि वो जो है ना बाकी उनके लिए बहुत जॉब्स हैं तो पार्ट टाइम भी मिल जाती है उनके लिए, थोड़ी आसानी है। तो आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ईवी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं शुरू में, आपको तो वो भी आपको पे करते हैं पर वो आपको मिनी जॉब, हाँ मिनी जॉब कौन होती है आपकी। सो ये है, तो मिनी जॉब में आप 450 यूरोस पर मंथ कमा सकते हैं, अगर मैं सिंपल नॉर्मल शहर की बात करूँ में बात करूं, पार्ट टाइम जॉब में आप 800 से 1000 यूरोस कमा सकते हैं और फुल टाइम में आप फिर 1500 से 2000 यूरो कमा सकते हैं विदाउट टैक्स, लेकिन वो फिर आप ज्यादा नहीं कर सकते, आप साल में 3-4 महीने करेंगे फिर आप थक जाएंगे, फेड अप हो जाएंगे, आपको होमसिकनेस शुरू हो जाएगी। सो मैं प्रेफर हम आपको ये प्रेफर करेंगे कि आप साथ साथ काम करते रहे, मिनी जॉब भी ना करें अगर आपने इतना किसी को पैसे लेके आए हैं। हाँ, अगर आपने ये सोच के आए हैं अगर आपने सिर्फ पढ़ना है, उतना खर्चा उठाना है, घर वगैरह नहीं कुछ भेजना, सेव नहीं करना, तो आई थिंक आपको मिनी जॉब भी इनफ होगी। मिनी जॉब करता है कौन सी सिटी में, जैसे अगर आप म्यूनिक में रह रहे हैं तो मिनी जॉब से गुजारा नहीं है क्योंकि वहाँ तो 500 का तो मिनिमम अपार्टमेंट ही मिलता है, 450 में तो गुजारा ही नहीं है। इस पे भी अभी हम बहुत जल्द में वीडियो बनाऊंगा कि क्या फर्क है बड़े शहरों में छोटे शहरों में, अगर आप मिनी जॉब करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं कितना आपको फर्क आएगा। लेकिन इस वीडियो का टाइटल ये है कि आपको क्या आप ब्लॉक लोन रिटर्न कर सकते हैं अपने रिलेटिव को या बैंक को, जहां से भी आप लोन लेके आए हैं, किसी से लेके आए हैं, आप आराम से आसान वापस कर सकते हैं। हम आपको गारंटी करते हैं अगर आप जॉब करने वाले हैं, अगर आपने सोचा है कि आपने साथ पार्ट टाइम जॉब करनी है तो आप आराम से पार्ट टाइम जॉब करके आप पैसे वापस कर सकते होते हैं और आप एक साल में ही आप उनको वो पैसे वापस कर सकते हो, जो आपको पैसे फिंतबा से आ रहे हैं वो आप सेव करते जाओ और जो आप जॉब से कमा रहे हो वो आप अपने ऊपर खर्च करो, आप उसमें से अपने पैसे सेव भी कर सकते हो इतने कि आप घर में भी 100-200 यूरो भेज सकते हो अगर आप सही तरह जॉब करो, पार्ट टाइम जॉब करो तो। सो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज जो स्टूडेंट्स जो है ना जो ब्लॉक अमाउंट की वजह से नहीं आते ना, अपने प्लान कैंसिल कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा, अब आप खुद देखें ऑस्ट्रेलिया कनाडा में कितनी फीसेज हैं और वो आपको वापस भी नहीं मिलती, तो क्या क्या क्यों जर्मनी को क्यों, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आप लोग वैसे इतनी चीज़ों के लोग लोन ले लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप, हाँ होता है थोड़ा सा शक होता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप देखें ना कि आपके पास कितनी एग्जाम्पल्स है आपकी, सब आपसे पहले इतने क्यों वैसे इतनी भरी हुई सामान वैसे में अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिलती लोगों को, कि सब लोग जा ही रहे हैं, तो आप उनको देख के आप भी अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप साल में आराम से वापस कर सकते हैं, आपको आराम से आप किसी भी शहर में होना आपको आराम से जॉब मिल सकती है। थोड़ा सा इतनी ट्रेन इतनी फैसिलिटीज है ना वहाँ पे, अगर आपको थोड़ी दूर भी मिल रही है ना, आधे घंटे की 1 घंटे की दूरी पर मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रेन पर जा सकते हैं, आपको ट्रेन में भी इतना टिकट नहीं होता। सो और यहाँ पर जो है ना कुछ कंपनीज होती हैं जो ह्यूमन रिसोर्स कंपनीज हैं, वो स्पेशली जो है उनके पास जॉब्स होती हैं, उनके पास जाए तो वो जो है ना आपको रेफर करती हैं डिफरेंट कंपनीज में काम के लिए। ये पाकिस्तान में चीज़ नहीं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही कंपनीज एड लगाए तो इतने सारे स्टूडेंट अप्लाई एप्लीकेट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना बंदे ढूंढना भी बहुत एक इनके लिए चैलेंज है क्योंकि बंदों की कमी है मैन पावर की, तो यहाँ पे कंपनीज है जो लोगों को हायर करके दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं। और इनकी एक और जो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है यहाँ पे कि ये लोग सारा ऑटोमेटिक अपना काम नहीं करते, इन्होंने कुछ पर्सन जो है ना जान के ऑटोमेटिक नहीं किया हुआ कि ताकि लेबर्स को भी मिले, ताकि लोग काम करें, पैसा कैसे कमाएंगे, सब कुछ मशीनरी करना शुरू कर देगी तो लोग कैसे पैसे कमाएंगे, काफी लोग सोचते हैं मतलब इंसानों के बारे में भी, वरना हम कहाँ जाएंगे, हम स्टूडेंट्स कहाँ से पैसे कमाएंगे। सो ये काफी अच्छा है, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आप लोग इंटरव्यू वगैरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपको, नहीं तो
पार्ट टाइम जॉब्स बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ जर्मन फिर वही बात आ जाती है, जर्मन बेसिक करके ही आएंगे तो काफी फायदा है। अगर आपने बाहर से पैसे लगा के नहीं करनी, यहाँ पे आके आपको करनी पड़ेगी। सो अगर आप पाकिस्तान में एक्स्ट्रा फ्री टाइम पे वही आप सोच रहे हैं कुछ, अगर आप लोग यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते हैं ना कि मेरे क्या लाइफ स्टाइल होगा, तो आप लोग जर्मन लैंग्वेज को भी टाइम दें, आप वो वीडियोस भी देखें। अगर नमल पाकिस्तान में इतने इंस्टीट्यूट हैं, इंडिया में इतने इंस्टीट्यूट होंगे, प्राइवेट बंदे पढ़ा रहे होते हैं, आप उनसे जाके पढ़ सकते हैं, तो काफी फायदा होगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि बड़े सिटीज में अगर आप हैं तो फिर तो चलो गुजारा हो जाएगा इंग्लिश से, लेकिन छोटे सिटीज में जो है आप कहीं भी जाते हैं, बैंक चले जाएं, शॉप चले जाएं, तो वो इंग्लिश बोलना आती भी फिर भी नहीं बोलते, कहते हैं जर्मन में अगर नहीं आती तो कोई ट्रांसलेटर साथ लेकर, वो कहते हैं यू आर इन डॉयचलैंड यू हैव टू स्पीक जर्मन, सो वो बिल्कुल नहीं सुनते, आती भी हो ना वो मतलब और बहुत बुरा इंप्रेशन देते हैं। सो आप कोशिश करें कि आप बेसिक तो करके आए, मैं आपको ये हमेशा से शुरू से अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे मैं आपको यही कह के आता हूं, बेसिक करके आए, जॉब्स आपको मिल जाएंगी, पैसे आप घर वालों को आराम से वापस कर सकते हैं, बेशक 10 अगर 11,000 भी हो गए तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। कुछ लोग तो कहते हैं नहीं भी हुए, सो ये भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर 11,000 भी हो गए हैं तो इतने नहीं भरे इस दफा, तो आप आराम से वापस कर सकते हैं घर वालों को, आप कोई टेंशन नहीं, मेरी गारंटी है आपको, मतलब हम क्या आप अगर जॉब करने वाले आप आराम से पैसे वापस कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब आराम से आप हफ्ते में 2-3 दिन कुछ भी नहीं है, बाकी टाइम अपना पढ़ाई पर ध्यान दें और 2-3 दिन आप आराम से जॉब पर जा सकते हैं। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा शुरू में, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा एक आध महीना, क्योंकि आदत नहीं होती है, आपने यहाँ पे अपने खाना भी बनाना है, अपने कपड़े भी धोने हैं, अपना अपार्टमेंट भी साफ, घर भी साफ करना है खुद भी, और साथ जॉब भी करनी है, पढ़ना भी है। सो यहाँ पे आपके आगे बहुत जिम्मेदारियां आ जाती है। पाकिस्तान में क्या होता है, अगर आप सिर्फ जॉब कर रहे हो तो आप जॉब कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो, सो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे भी आके आना वक्त के साथ साथ आपको इतना मैनेज हो जाता है, मतलब मैंने काफी स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल देखी है, माशाल्लाह इतने परफेक्ट हो गए ना, मतलब आप यहाँ पे आके ना वो हो जाएंगे अरसलान की तरह शुगर बन जाएंगे घरेलू, पहले शुगर नहीं था वो ज्यादा ओवर, वो अरसलान तो पहले ही था, मतलब कोई शक नहीं है, मैं नहीं था अरसलान था, तो अरसलान ओवर शुगर ओवर आप यहाँ पे आके ना घरेलू हो जाएंगे। सो आई होप काफी मैंने कवर कर लिया, सो आई होप आप अपना फैसला जो रिजेक्ट नहीं करेंगे ना, अरसलान नहीं करना चाहिए ना खुद, क्योंकि वापस ही मिल जाता, क्योंकि इतनी मेहनत आप लोगों ने की होती है। अब काफी स्टूडेंट्स 10,000 जोड़ो जब था ना फीस, तो काफी लोगों ने अपना सारा प्रोसेस कर लिया, और जब उनको पता 11,000 है तो काफी मैसेज में परेशान हो गए, यार हम क्या करें क्या करें, मैंने कहा नहीं इसकी वजह से आप अपने पैसे, क्योंकि कमेटी डाल रहे हैं ना आप, कमेटी आप समझ के साथ आप कमेटी डाल रहे हैं, आपको पैसे आपके वापस मिलेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं कनाडा चले जाएं फिर क्या करेंगे, आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। आप ये सोचें ना कि आपको कितना फायदा मिल रहा है, यहाँ पे कितनी सस्ती पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर आप अप्लाई करेंगे, आपकी फीस कुछ भी नहीं है, मतलब हमारी जो मैग्दीबुर्ग में थी वो 130 यूरोस पर सेमेस्टर थी, मतलब पाकिस्तानी कितने मैंने 40,000 यूरो पर सेमेस्टर पाकिस्तान में ना, पर सेमेस्टर की फीस जो है 1,00,000 से ऊपर चली गई है, अब आप खुद सोचें, और वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई भी आप देख सकते हैं, और क्या यहाँ पे आप जॉब भी, यहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में आप यूनिवर्सिटी के साथ जॉब आपको नहीं मिल सकती, वहाँ पे कोई जॉब है ही नहीं, ट्रेंड ही है वहाँ पे, सिर्फ आप प्रोफेशनल जॉब करोगे वो भी पढ़ाई के बाद, वहाँ पे यही ट्रेंड, और ये नहीं कि सिर्फ जो है ना जो बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं वही जॉब करते हैं। मेरे साथ एक जर्मन के लिए काम करता है, उससे मैंने पूछा तो वो भी कहता है मैंने यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैंने जॉब की है, प्रोफेशनल जॉब की है, क्योंकि उसकी वजह उसकी बेस पे उसकी जो है ना अभी प्रोफेशनल आगे जॉब फुल टाइम जॉब, लोग पार्टी पसंद करते हैं, एंजॉयमेंट पसंद करते हैं, लोग सेविंग को ये नहीं शौक है ये सेविंग करेंगे, ये लोग अपना खर्च करना अपने ऊपर खर्च करना पसंद करते हैं, सेव पार्टीज वगैरह करना पसंद करते हैं, इसलिए उनको कमाना पड़ता है। सो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, जॉब की टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाए हैं, जर्मन सीख के आए, पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। सो आई थिंक आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो माजरत कमेंट्स कीजिएगा, उस पर भी मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम नई वीडियो बना दें उस पर। सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय YouTube चैनल व्हिच इज इमरान सलीम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।